ठीक है, चलो आज अभी हम लोग मस्टर्ड बनाने का देखेंगे। तो पहले तो मस्टर्ड होता क्या है पहले वो देख लो। तो मस्टर्ड जो होता है वो हम लोग सैलरी के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जब हम लोग जॉब करते हैं तो होता है ना प्रेजेंट और एब्सेंट, है ना। तो वो चीज़ें कैसे बनाएंगे ऑफिस में वो हम लोग देखेंगे कि सैलरी देने के समय आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे। तो हर ऑफिस का अलग अलग रहेगा, लेकिन फिर भी एक हम लोग यहाँ पर एक ट्रायल में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई आईडी नंबर ले लेते हो, एम्प्लॉई नंबर, या एक काम करते हो शॉर्टकट में लिखती हूँ मैं, एम्प्लॉई आईडी डाल दिया मैंने ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉई का नेम लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि कौन से महीने का निकालना है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रही हूँ, अप्रैल का ले लेती हूँ मैं। तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे डेट ले लेती हूँ, 1 2 2। अब ये कितना डेज होते हैं इसमें, 30। तो डायरेक्ट मैंने क्या किया, 1 लिया 2 लिया, इसको ड्रैग करो 30 तक, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 30 तक, ठीक है। ओके, अभी अप्रैल में क्या था, 1 तारीख को क्या था, कुछ याद है आप लोगों को इसमें? नहीं तो मैं ऐसे फिर रफ ले रही हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे थर्सडे ले लिया। अब याद नहीं कि 1 तारीख को क्या था, तो यहाँ पे थर्सडे लिया, इसको भी ट्रैक कर लेती हूँ जहाँ तक आपने लिया, तो ये डे भी आ जाएगा आपको, तो आपको डे भी पता चलेगा कि क्या है करके, ठीक है। अब आपने 30 तक ले लिया ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें अभी ये देखो, ये बहुत स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो वो टाइम वेस्ट होता है इसमें और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा होना चाहिए कि आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से फर्स्ट से लेके 30 तक इसको एक साथ पूरा ऊपर से सेलेक्ट करना है, और एक ही साथ में आप इसको ऐसा इसको साइज़ थोड़ा कम कर दो कॉलम का, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, ये आ गया बराबर। लेकिन अब ये तो मैंने ले लिया, लेकिन अब आप देखो तो इसमें जो हम लोगों ने डे लिखा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये सब तो हाइड हो गया था, दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो इसको बाद में करते हैं, ये भी करेंगे मैं, लेकिन पहले रुक जाते हैं थोड़ा सा। ये मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, मर्ज कर लेती हूँ। इसमें मैं क्या करूँगी, तो इसमें लिखूँगी मैं प्रेजेंट डे, लिख देते हैं कि कितने दिन आप प्रेजेंट थे, ठीक है। और एब्सेंट लिख देती हूँ, इसको मर्ज कर लेते हैं एक साथ में, ये भी मर्ज हो जाएगा, दोनों सेंटर ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर है टोटल डेज, और समझो एक एग्जांपल है कि आपकी सैलरी, ठीक है, तो पर डे आपको कंपनी कितनी सैलरी मतलब प्रोवाइड कर रही है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखो अभी ये कोई फिक्स नहीं है कि हर ऑफिस का सेम यही रहेगा, ये तो मैंने एक रफ बताया। हर ऑफिस का सिस्टम थोड़ा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनके कंडीशन अलग अलग होते हैं। तो एक हम लोग रफ देख रहे हैं, अगर ये आपको आएगा तो बाकी का भी आप बना सकते हो, थोड़ा 19-20 रहेगा बस, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूँ, जो ऊपर वाले डेज जो हैं जो दिख नहीं रहते, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐसे, और यहाँ से हम लोग इसको अलाइनमेंट ले लेते हैं। तो अलाइन एंगल के इसमें ले लेती हूँ मैं, अब ये क्या होगा दिखाई देगा आपको, और इसको भी अगर आपको एंगल में लेना है तो ये भी आप यहाँ से एंगल में ले सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर ऐसे आपको दिख रहा है कि हाँ क्या है, ठीक है। अब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि हम लोगों को चाहिए इसमें, और ऊपर की तरफ भी मैं काम करती हूँ, एक इंसर्ट कर लेती हूँ, और ये पूरे इसको एक मर्ज कर देते हैं, यहाँ से मर्ज कर लिया। ये कौन से महीने का है, तो ये हम लोगों ने ऐसे ही अप्रैल 2022 ऐसे डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो अप्रैल 2022 लिखा है, लेकिन मुझे डे पता नहीं, मैंने ऐसे थर्सडे लिख दिया एज्यूम करके, ठीक है। तो इसके अंदर अब मुझे ऐसा चाहिए कि पहले तो मैं प्रेजेंट एब्सेंट का देखूँगी कि अगर जितना दिन प्रेजेंट है एब्सेंट है, ठीक है। तो एक रफ हम लोगों ने ऐसे डाल दिया इसमें, लेकिन संडे का मिलेगा आपको, यानी संडे का भी पे है, तो जहाँ कहीं पे भी संडे होगा वो भी आपको भर के मिलेगा, ठीक है। एब्सेंट ठीक है, अब ये हम लोगों ने लिख दिया। तो प्रेजेंट डे यानी अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि पी कितनी बार लिखा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट इफ़, ये आई थिंक मैंने आप लोग का लास्ट टाइम लेक्चर लिया था काउंट इफ़ का,
तो वही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। काउंट इफ लेंगे, इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक चाहिए तो सेल आप अरेंज ले लो कि आपने बोला मुझे यहाँ से यहाँ तक लेना है, यानी C6 से लेके AF6 यहाँ पर आपको कॉमा। अभी क्या फाइन मतलब क्या आपको काउंट करना है, तो आपने लिया प्रेजेंट यानी पी को काउंट करके देगा कितनी बार लिखा है, तो है 24 यानी 24 डेज आप प्रेजेंट हो। अब एब्सेंट का लेना है तो इसके लिए भी सेम यही होगा, आप चाहे तो इसके फॉर्मूले को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, खाली सेल नंबर जो है यहाँ पर AG है तो इसकी जगह AF हो जाएगा और यहाँ पर P की जगह A हो जाएगा, ठीक है। और टोटल डेज तो टोटल 30 डेज़ का है, लेकिन मुझे लगता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, मुझे पर डे मैंने डाली दिया है तो इसको हटा देती हूँ थोड़ा, ठीक है। पर डे आपको सैलरी कितनी मिल रही है, तो यहाँ पर है एक एग्जांपल समझो 500 ही है, ठीक है 500 रुपये पर डे का, तो आपकी सैलरी आपको मिलेगी कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सैलरी लिख दिया और इसको भी मैं मर्ज कर देती, ठीक है। तो इसमें जितना भी आपका प्रेजेंट डे है वो इनटू पर डे एंटर, यानी आपका टोटल वैसे होना चाहिए 15,000, वो तो 30 डे का है, लेकिन यहाँ पर 24 डेज का हम लोग यहाँ पे खाली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको 12,000 मिल रहा है। बाकी आप जितना चाहो उतना एक्स्ट्रा कॉलम ले सकते हो, कोई एडवांस लिया होगा तो यहाँ पे आप एडवांस ले लो, फिर उसको एडवांस को सैलरी में से माइनस करो तो नेट सैलरी आएगा, तो ऐसा आप जितना चाहो ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे मोड भी ले सकते हो कि आप उनको पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। तो ये तो पहले मैंने एक रफ एक नॉर्मल आपको बताया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें तो ले ली हमने, अब हम चाहते हैं कि इसमें ये जो प्रेजेंट एब्सेंट है तो इसमें जहाँ कहीं पे भी एब्सेंट हो उसका कलर हम लोगों को रेड कलर में आना चाहिए, तो वो हम लोग लेंगे। तो उसको क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपको चाहिए और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन पे जाना है और यहाँ से ए पे ले लिया और मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ इसमें लिखा है लाइट रेड फील विथ डार्क रेड टेक्स्ट, नहीं मुझे खाली ना रेड टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ओके। तो ये जो जहाँ कहीं पे भी अगर आप एब्सेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली रेड कलर में आ जाएगा, जैसे देखो ये आ रहा है, अगर यहाँ पे पी लिखा है लेकिन अगर मैं ए कर दूँ तो ये रेड हो जाएगा, और जहाँ पर रेड है पी लिख दूँ तो ये ब्लैक में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारा मस्टर नहीं, आप जो भी एम्प्लॉय का नंबर होगा उसमें उनका जो नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे इसको सबको मैं काम करती हूँ, थोड़ा सेलेक्ट करके बॉर्डर वगैरह दे देंगे, तो एक रफ हम लोगों ने यहाँ से पूरा सैलरी शीट एक मतलब ऐसे मस्टर टाइप में एक बनाया है जिसमें आप पूरा डिटेल फील कर सकते हो मंथली वाइज, और यहाँ पे शीट को भी रीनेम करना है तो आप इसको रीनेम करके अप्रैल का समझो, ये अप्रैल मंथ का है तो आप अप्रैल का दे सकते हो, तो मंथ वाइज आप सेपरेट सेपरेट ऐसा पूरा शीट रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मे बी आपको समझ में आया होगा, एक बार ट्राई करो, कर लोगे, ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है, चलो ओके बाय।